तब्दीली सरकार को 22 महीने हो रहे हैं, कोरोना के 3 माह निकाल दें, 19 महीने इक्तदार के मुल्क के लूटे गए 200 अरब डॉलर बाहर से आना थे, क्या आ गए? 90 दिनों में करप्शन खत्म होना थी, क्या हो गई? 3 महीनों में सब चोरों डकैतों को जेलों में होना था, क्या हो गए? नया सूबा बनना था, क्या बन गया? 50 लाख घर तमीर होना थे, क्या हो गए? 1 करोड़ नौकरियां मिलना थी, क्या मिल गई? यकसा तलीमी निसाब लागू होना था, क्या हो गया? पुलिस पटवारी थाना कचहरी इस्लाहात होना थी, क्या हो गई? मुफ्त तलीम मुफ्त इलाज होना था, क्या हो गया? इमरान खान ने इलेक्टेबल से दूरी अख्तियार करना थी, क्या कर ली? तब्दीली सरकार ने आजाद अराकीन पार्लियामेंट को नहीं लेना था, क्या नहीं लिया? गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरना थी, क्या गिर गईं? वजीर आजम हाउस ऐवान सदर दरसगाह में तब्दील होना थे, क्या हो गए? प्रोटोकॉल का खात्मा होना था, क्या हो गया? 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करना था, क्या कर लिया? IMF को खैराबाद कहना था, क्या कह दिया? कशकोल तोड़ना था, क्या टूट गया? खसारा ज्यादा अदारों को पांव पर खड़ा करना था, क्या कर दिया? 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल पहुंचाना था, क्या पहुंचा दिया? जिस बच्चों की जहनी जिस्मानी ग्रोथ रुक गई थी उन्हें ग्रोथ बरी खुराक पहुंचाना थी, क्या पहुंच गई? सानहा मॉडल टाउन के कातिलों को सजा दिलाना थी, क्या दिला दी? आप कहेंगे अभी तो 22 माह हुए, ये मंजूर तो 5 साल का है, अभी 28 माह बाकी हैं। चलो मान लिया, अच्छा यही बता दें, ऊपर जितने वादे दावे नारे इनमें से कितने जिन पर 22 माह मुद्दत जितना काम हो चुका? ओहो, मैंने आपको किस चक्कर में उलझा दिया? छोड़ें ये सब, आइए उर्तगल देखते हैं। कोरोना घर घर पहुंच चुका, इतना फैलाओ किसकी नालायकी? वजीर आजम क्यूँ कोरोना के खिलाफ लीड ना कर सके, क्यूँ सबको साथ लेकर ना चल सके, क्यूँ एक हिकमत अमली एक रास्ता एक होकर आगे ना बढ़ा जा सका? कर्फ्यू लॉकडाउन न सही, क्यूँ स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिस ना हो सका? हुकूमती रिट कहाँ गायब हुई? जायरीन कोताही, तबलीगी जमात गफलत, तरावी मामले पर कमजोरी, ताजरों के सामने बेबसी, इतनी कंफ्यूजन क्यूँ के सुबह और बात शाम और, क्यूँ चीफ जस्टिस को कहना पड़ा? वजीर आजम की काबीना गैर मुअसर हो चुकी, लाहौर में करंटीना कैंपों में बिना पैसे के मैयत भी नहीं दी जाती, KP वाले तो पेशावर के करंटीना कैंपों, कोरोना अस्पतालों का इंसानी फजला ठकाने लगाने में भी नाकाम। ओहो, मैंने फिर आपको किस चक्कर में उलझा दिया? छोड़ें ये सब, आइए उर्तगल देखते हैं। टिड्डी दल ने 50 से ज्यादा जिलों में किसानों की कमर तोड़ दी, गंदम कपास मकई की फसलें तबाह हुई, आमों के बागात उजड़े, अफ्रीका से यमन, यमन से सऊदी अरब, सऊदी अरब से अमान, अमान से ईरान, ईरान से गोट की कश्मकोर के रस्ते पाकिस्तान में दाखिल होने वाली, टिड्डियों ने पहला हमला टमाटर की फसल पर किया, टमाटर की किल्लत हुई, कीमत 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, फिर नाकिस बीज, पत्ता मोड़ वायरस, रस चूसने वाले कीड़े, गुलाबी सूंडी, कम काश्त हुई कपास पर जब टिड्डी दल हमला आवर हुआ, रुई की पैदावार, इस टेक्सटाइल सेक्टर को चलाती कपास की क्यों रजाक दाऊद ने स्पॉट प्राइस ही ना रखने दी? रजाक दाऊद के सामने कपास पर कैसे पार्लियामेंट की मुतफिका करारदार बेअसर हुई? क्यों फखर अमाम की कपास समरी ECC ने रद्द कर दी? खैर, बात हो रही थी टिड्डी दल की, हुकूमत अभी तक इस आफत का सही तरह से अदराक ही ना कर सकी, रवायती सुस्ती ना अहली हावी, स्प्रे च्यूटी की रफ्तार से हो रहा, किसान डोल थाल प्लास्टिक की बोतलों से टिड्डियां भगाने में लगे हुए, यही हाल रहा तो जरई मुल्क में गजाई किल्लत का अंदेशा होगा। ओहो, मैंने आपको फिर किस चक्कर में उलझा दिया? छोड़ें ये सब, आइए उर्तगल देखते हैं। 200 अरब सालाना वाले 5,800 अरब के निजी बिजली घर, डाकुओं वाली रिपोर्ट, चीन के दबाव पर 2 माह के लिए मुअक्खर हो चुकी, अद्वियात स्कैंडल का कुछ अता पता नहीं, आटा गंदम रिपोर्ट पर खामोशी, चीनी डाकुओं के जहांगीर तरीन, ओमनी ग्रुप, शरीफों और दीगर शुगर माफिया तो निशाने पर, मगर उस्मान बुज़ार, असद उमर, रजाक दौद को बचाया जा रहा है, मुईशियत बेहाल, रिकॉर्ड कर्जे लिए जा चुके, नवाज शरीफ की बीमारी, रिपोर्टों को फिर से जांचने की बातें, लेकिन अच्छा है ये हो जाए, क्योंकि अगर लंदन जहाज चढ़ते नवाज शरीफ की तस्वीर खानदान के साथ, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नवाज शरीफ की तस्वीर और पोतों के साथ वॉक के बाद हसन नवाज के दफ्तर बागीचे में काफी पीते नवाज शरीफ की तस्वीर, तीनों तस्वीरों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो भी 12 बीमारियां वाले 17 दवाइयां रोजाना खाते, तश्वीशनाक हद तक बीमार नवाज शरीफ को 5.5 माह हो गए, लंदन में क्यों एक दिन भी अस्पताल न रहे, क्यों अभी तक बाकायदा इलाज भी ना शुरू हो सका, लिहाजा रिपोर्ट्स चेक करना जरूरी। मगर ये इमरान खान का वतीरा, पहले फाइल पढ़े बिना समरी, एडवांस या किसी चहीते की ब्रीफिंग पर फैसला, फिर बाद में अपने ही फैसले पर तनकीद, इंक्वायरियां, जैसे शहबाज शरीफ को पहले कोर्ट लखपत जेल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया, फिर खुद ही कहा पब्लिक मनी करप्शन पर जेल गए को APC का चेयरमैन बनाना तो जमहूरियत के साथ मजाक, खुद ही बिजली गैस की कीमतें बढ़ा दी, शोर मचा तो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, मतलब अपनी इंक्वायरी का हुक्म खुद ही, शुगर एक्सपोर्ट्स की इजाजत दी, खुद ही इंक्वायरी करवा दी, नवाज शरीफ पर रहम आया खुद जाने की इजाजत दी, अब खुद ही तनकीद फरमा रहे। ओहो, मैंने फिर आपको किस चक्कर में उलझा दिया? अब बहुत हो गया, छोड़ें ये सब, आइए उर्तगल देखते हैं।